वहीं जयपुर में बीजेपी की तिरंगा रैली, रामलीला मैदान पर तिरंगा रैली का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तिरंगा रैली के अंदर मौजूद है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा दिखे। 15 अगस्त को तिरंगा हर घर पर होना ही चाहिए क्योंकि राष्ट्रभक्ति का प्रतीक तो है ही। ये भी बताता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, क्योंकि जब आप तिरंगे को देखेंगे तो सबसे ऊपर उसमें बलिदान का रंग नजर आएगा। उन बलिदानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जो देश की आजादी को अक्षुण रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, जो देश की आजादी के लिए निरंतर मां भारती के चरणों में शीश नवाते हैं। दूसरा रंग शांति का प्रतीक है क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से शांति का संदेश देता आया है। जिस दौर में दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है, वहां भी हिंदुस्तान शांति का ही पाठ पढ़ा रहा है और शांति स्थापित करने के लिए न जाने हमारे कितने महापुरुषों ने सदियों तक संघर्ष किया है। और तीसरा रंग है हरित क्रांति का, वो क्रांति जिसने भारत को आत्मनिर्भर किया, वो क्रांति जिसने भारत को स्वावलंबी किया, वो क्रांति, वो हरा रंग जो बताता है कि भारत अन्न संपदा में अकूत भंडार के साथ देश को निवाला खिलाता है। इसलिए जब आप तिरंगा फहराएं तो उस तिरंगे को किसी पार्टी से ना जोड़िएगा, यह ना सोचिएगा कि किस पार्टी के किस नेता ने कहा, बस ये सोचिएगा कि यह बलिदान, ये शांति और ये हरित क्रांति का प्रतीक है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि जो तिरंगा यात्रा है या घर पर तिरंगा लगाने का जो संदेश है, अफसोस ये सोचकर होता है कि बीते कुछ दिनों में कुछ अक्षुण लोगों ने उसे भी पार्टी के साथ जोड़कर रखा है और कहा है कि भाई फला पार्टी ने काहे नहीं लगाएंगे, जबकि इसमें बलिदान है, इसमें शांति है, इसमें क्रांति है, हरित क्रांति है, और ये तो गर्व की बात है। इस संदेश यात्रा का संदेश क्या है? देखिए, इस संदेश यात्रा का संदेश है भारत को एकजुट करना, इस संदेश यात्रा का संदेश है कि क्रांतिकारियों को याद करना, इस संदेश यात्रा का मतलब है कि सभी लोग एकजुट होकर तिरंगे का सम्मान करें, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव जारी रखें। ये किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम माना जा सकता है या कहा जाएगा, या हम यही कहेंगे कि राष्ट्र का कार्यक्रम है। इसमें कोई भी व्यक्ति स्वप्रेरित भाव से भाग ले सकता है। विजेंद्र, इसी के साथ में एक अपडेट दे देता हूं आपको। तीरथ सिंह बुंदेल दिखाएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आ गए हैं, विजय राहटकर जो है सह प्रभारी वो आ गए हैं, घनश्याम तिवाड़ी आ गए हैं, कालीचरण सराफ आ गए हैं, और उनके अलावा मंजू शर्मा और अशोक परनामी भी आ गए हैं। अशोक परनामी भी आपको दिखाई देंगे कि मंजू शर्मा और अशोक परनामी आपको सामने दिखाई देंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परनामी और सांसद है मंजू शर्मा, वो भी यहां पर है। विजय राहटकर के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है इस बात को लेकर कि विजय राहटकर ने तैयारी कर रही है इतने दिन से पूरे प्रदेश प्रभारी है, उसमें भी तिरंगा यात्रा में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है आमजन। ये जो महिलाएं हैं ये भी हैं, जो स्टेज के एक साइड में महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुष हैं, उनकी एक पूरी टीम चलेगी। महिलाएं इंतजार कर रही हैं, ज्यादातर लोग जो है अपने वाहनों पर हैं, और कैमरे को अगर हाइट पर ले जाकर देखेंगे, रामलीला मैदान है, यहाँ आपको चारों ओर तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देंगे। बाहर का दृश्य थोड़ी देर बाद हम देख पाएंगे कि बाहर का दृश्य कितना अच्छा बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा है, बारिश की भी स्थिति हमारे यहाँ पर बन पा रही है। विजेंद्र, थोड़ी देर में हो सकता है या बारिश हो जाए, क्योंकि अब सूरज जो थोड़ी देर के लिए आज कई दिनों में निकला था, सूरज अब बादलों के आगोश में है, अब बादलों में छिपा हुआ है सूरज, और काले बादल हैं वो अभी यहाँ छाए हुए हैं, हो सकता है कि कुछ देर बाद बारिश हो जाए। और विजेंद्र, जो हम बात कर रहे थे, ये जो तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा यात्रा एकजुटता का प्रतीक है। इस तिरंगा यात्रा को किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी से लेकर युवा या किसी कंपनी में काम करने वाले लोग या सामान्य जन या स्वयंसेवी संस्थाएं, वो कोई भी निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा फैसला है, अमूमन एक बदलाव हुआ और उस बदलाव के तहत अब तिरंगा यात्राएं निकाली जा सकती है, बशर्ते तिरंगे का सम्मान हो। कोई भी व्यक्ति यदि तिरंगा यात्रा निकालना है, जाति पंथ संप्रदाय में अगर बट रहे हैं तो बटे, कोई बात नहीं,
लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो सबको एक होना चाहिए, और तिरंगा पूरे राष्ट्र को एक करता है जाति पंथ संप्रदाय से अलग कर। और ये इसलिए भी जरूरी है वर्तमान स्थिति में क्योंकि पड़ोसी देशों को देखिए क्या उथल पुथल मची है। वहां अगर एक दिन सभी के हाथ में तिरंगा हो तो पूरे विश्व को संदेश जाता है कि भारत में चाहे कुछ हो है एक वो। शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूं। योगेश जी, ये जो कार्यक्रम है इनको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, और यहाँ आप लगातार देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसका उद्देश्य जो है वो तो राष्ट्र को एक करना है, लोगों में भाव एक देश प्रेम का जागृत हो, लेकिन ये को लेकर क्या कहेंगे, और जो दूसरे हिस्सों में यात्राएं निकल रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप रेगुलर तमाम खबरें जो है इससे जुड़ी चला रहे हैं। देखिए ऐश्वर्य, जिस तरह का हर घर तिरंगा अभियान एक्चुअली नरेंद्र मोदी केंद्रित है। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया सारी राज्य की इकाइयों से, संगठन से, कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और आपने देखा होगा कि हर मोबाइल पर उनका संदेश भी अब आने लग गया, तो वो हर नागरिक को ये कह रहे हैं कि भाई आप इस अभियान में भाग लें, अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और जो बीजेपी राजस्थान का संगठन है, सरकार भी, और आज जयपुर का जो हार्ट है रामलीला मैदान जो फेमस रहा है, यहाँ से कई बड़ी रैलियाँ हुई हैं। एक ज़माना था जब अटल जी यहाँ से स्पीच दिया करते थे, आडवाणी जी स्पीच दिया करते थे, तो रामलीला मैदान का एक ऐतिहासिक स्वरूप है। इसीलिए यहाँ से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मदन राठौड़ जी और तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, जयपुर के सभी विधायक मौजूद हैं बीजेपी के। और एक जो बांग्लादेश का इशू चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार का जो मामला है, वो बीजेपी साथ साथ रेज कर रही है, तो उसके कारण भी इस जो मूवमेंट है बीजेपी का, इसको एक अलग तरह का बल मिल रहा है। और जो संख्या बल है उसमें भी इस बात की नाराजगी है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक मूवमेंट जो खड़ा किया है, लगातार बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं और नेता बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐश्वर्य जी अपने आप में पूरे राज्य में हर जगह, जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर में संख्या बल की बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों में और अन्य शहरों में संख्या बल की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर समाज, कई जगह पर बहुत बड़ी बड़ी तिरंगा रैलियां अब निकली हैं, आज जयपुर में है, जयपुर के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, और युवा मोर्चा जयपुर शहर संगठन, महिला मोर्चा और तमाम जो मोर्चे के अल्पसंख्यक मोर्चा के भी लोग यहाँ पर वापस आपके पास लौटेंगे।